Hello, let's solve some numerical based on the parallel operation of transformers. तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसमें डाटा दिया है. दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स पैरेलल में इस तरह कनेक्टेड हैं कि वो लोड जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी रेटिंग है 100 किलो वॉट्स एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. ओके, और इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स का इम्पीडेंस हमें दिया है जो है Z1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस J3, और जो सेकेंड इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू दी है 0.6 प्लस J9. एंड दिस इज द डाटा फ्रॉम विच व्हाट वी हैव टू टेक आउट इज दी वी हैव टू कैलकुलेट लोड टेकन बाय ईच ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो इसके लिए हम शुरुआत में क्या करते हैं, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में दिए हैं, कहीं हम इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, कहीं हमारे लिए फेजर फॉर्म्स ज्यादा सूटेबल होते हैं, तो इसको हम उसमें भी कन्वर्ट कर लें. तो फॉर Z1 टू कन्वर्ट इनटू फेजर व्हाट वी हैव टू डू, मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, और फेजर निकालेंगे बाय 10 इनवर्स ऑफ बी बाय ए. तो उससे हमें जो वैल्यूज मिलती हैं दे आर 3.04 with angle of 80.54 degree. And तो दूसरा impedance है दूसरे transformer का, उसकी values आती हैं phasor में 9.02 with angle 86.18 degrees. Okay, and total impedance from these two impedances would be Z1 plus Z2 is equal to 1.1 plus J of 12. और इसका फेजर जब हम कैलकुलेट करने गए तो उसकी वैल्यू आएगी 12.05 विथ एंगल 84.76 डिग्री. सो हमारे पास ये बेस डाटा तैयार हो गया फॉर सॉल्विंग दी ट्रांसफॉर्मर लोड रेशियो. अब यहाँ हमारे पास लोड की किलो वॉट रेटिंग दी है विथ पावर फैक्टर, उससे हम केवीए रेटिंग लोड की निकाल सकते हैं. KVA rating of load would be kilowatts, that is VI cos phi divided by cos phi. तो वो कितनी आएगी? SL would be equal to this power of load divided by cos phi, and it is 100 divided by 0.8. What it gives is the power in volt amperes, and it is 125. और 0.8 पावर फैक्टर एंगल की क्या वैल्यू होती है? 36.87 लैगिंग. ओके, सो दिस इज द केवीए ऑफ द लोड. अब इसको शेयर करेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स. हमने फॉर्मूला में देखा जो ट्रांसफॉर्मर की लोड शेयरिंग है वो कैसी होती है. फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर विल शेयर इन द रेशियो ऑफ टोटल लोड इनटू impedance of second transformer divided by summation of the both the transformer impedances. Values rakh de to SL is 125 with angle 36.87, and Z2 is given as humne isko already calculate kiya 9.02 into 86.18 angle divided by Z1 plus Z2 was 12.05 with angle of 84.76 degree. इसको जब हम solve करते हैं, S1 हमें जो मिल रहा है, that is 93.57 with angle of concluding जो angle आया है, that is 38.42 degree. हमें क्या करना है? Magnitude को magnitude से divide और multiply करना है. Angles न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है दैट इज 38.42 डिग्री. और अब हम इसका यदि हमें पावर कंजम्पशन निकालना है, एक्टिव पावर निकालना है, कैसे निकालोगे? जो एस का कॉस कंपोनेंट होता है इसमें कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द पावर दैट इज 93.57 into cos of 38.42 degree. So what we obtain it as 73.31 kilowatt. तो ये तो हो गया first transformer का sharing. इसी lines पे जब हम दूसरे transformer का load sharing निकालेंगे,
S2 would equal to S into Z1 plus, divided by total impedance Z1 plus Z2. What we get is total SL was given here 125 into cos phi wala jo 36.87 degree hai, that is cos phi is equal to 0.8. Hame ye kafi acche se yaad hota hai. Into Z1 kya hai? 3.04 angle of 80.54 degree. And summation ka total load impedance ka total transformer impedance kya hai? 12.05 angle of 84.76 degree. इनको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो S2 आ रहा है वोल्ट एम्पियर शेयर्ड बाय द सेकंड ट्रांसफार्मर दैट इज कमिंग एज 31.53 एंगल ऑफ 31.26 डिग्री. ये हो गया केवीए वैल्यू. अब लोड शेयरिंग हमें यदि किलोवाट्स में चाहिए तो यहाँ से हम इसको 31.53 इंटू कॉज ऑफ 31.26 डिग्री करते हैं एंड वी ऑब्टेन the power in form of kilowatts, that is 26.95 kilowatt. इस तरह से हमारा numerical values आती हैं जो हमें चाहिए था, वो था load sharing by both the transformers. तो हमने क्या किया? सबसे पहले उनके impedances को complex conjugate से phasor values में बदला, क्योंकि उसमें हमारे पास addition और multiplication division आसान हो गया. दोनों के impedances को total करके टोटल इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर्स निकाला. केवीए रेटिंग हमें मिल गई बाय द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. और जब हमने दोनों ट्रांसफॉर्मर की लोड शेयरिंग इक्वेशन से निकाल ली तो उससे हमें पावर की वैल्यू एस से निकालना, अपेरेंट पावर से निकालना आसान हो गया.